499 साल बाद नाग पंचमी पर बनेगा लक्ष्मी नारायण योग, इन सात राशि वालों पर बरसेगा खूब पैसा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म में भोलेनाथ के प्रिय आभूषण माने जाने वाले नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता के अनुसार नाग पंचमी का व्रत रखने और कथा पढ़ने से व्यक्ति को काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। इस साल की नाग पंचमी के दिन कुछ खास शुभ संयोग बनने जा रहे हैं, जिससे कुछ राशि वालों की किस्मत चमक सकती है। हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी पर्व मनाया जाता है। यह पर्व नाग देवता को समर्पित होता है। इस पर्व में भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन के सभी कष्ट और संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति व समृद्धि आती है। बताना चाहेंगे कि इस वर्ष नाग पंचमी का पर्व 9 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस बार की नाग पंचमी बेहद ही खास मानी जा रही है, क्योंकि इस नाग पंचमी पर काफ़ी वर्षों के बाद बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं और इन योगों के शुभ प्रभाव कुछ राशियों के जातकों के लिए बहुत ही मंगलकारी होने वाले हैं। आपको बता दें कि वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 8 अगस्त की देर रात को 12:36 पर होगा, यानी कि 9 अगस्त को, और इसका समापन अगले दिन यानी 10 अगस्त को देर रात 3:14 पर होगा। इसीलिए इस वर्ष 9 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाएगा। बता दें कि इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त 6:01 से लेकर 8:37 तक रहेगा। इस दौरान भोलेनाथ के साथ नाग देवता की पूजा की जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस नाग पंचमी पर दुर्लभ माने जाने वाले शिववास योग का निर्माण हो रहा है। मान्यता है कि इस योग के दौरान शिव परिवार के साथ साथ नाग देवता की पूजा करने से भगवान शिव के साथ ही साथ नाग देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और व्यक्ति के जीवन में सुखों का आगमन होता है। बताना चाहेंगे कि इस नाग पंचमी पर सिद्ध योग का भी संयोग बन रहा है। यह योग 1:46 तक रहेगा। इसके बाद साध्य योग का निर्माण होगा। इन दोनों योग में भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करना बहुत ही शुभ रहेगा। इससे व्यक्ति को हर कार्य में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस वर्ष नाग पंचमी पर बव और बालवकर्ण का योग भी बन रहा है। इस दिन सबसे पहले बवकर्ण का संयोग बनेगा, इसके बाद बालवकर्ण योग का निर्माण होगा। इस दिन हस्त नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है और दोस्तों, यह सभी योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन योग में भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा करना बहुत शुभ फलदायक रहेगा। इस अवसर पर अब की बार सिद्धि योग और साध्य योग भी प्रभाव में रहेंगे और भगवान शिव माता पार्वती के साथ धरती पर वास करेंगे। बता दें कि इस दिन शुक्र और बुध मिलकर के लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। साथ ही साथ शनि अपनी राशि कुंभ में गोचर करते हुए शश राज योग बना रहे हैं। ग्रहों के बेहद ही शुभ संयोग के बीच नाग पंचमी का ये पर्व वृषभ और तुला राशि सहित सात राशियों वालों के जीवन में आर्थिक समृद्धि लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव जी के आशीर्वाद से इन राशियों के लोगों की मनोकामना अब पूर्ण होगी और इस दिन नाग दोष, सर्प दोष, पितृदोष के उपाय करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ दोस्तों, महादेव के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। महादेव की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर वह राशियाँ कौन सी हैं जिनके ऊपर नागपंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरसने वाली है, जिससे कि अब इन राशि वालों का भाग्य खुलने वाला है। तो चलिए शुरू करती हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो पहली राशि आती है वो राशि है मेष राशि। बता दें कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस वर्ष की नागपंचमी मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहेगी। इस राशि के लोगों की ग्रह स्थिति मजबूत होगी और भाग्य का इन्हें अब पूरा पूरा साथ मिलेगा। यदि आप एक व्यवसाय करते हैं तो आपके द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट में मेहनत का आपको शुभ फल प्राप्त होगा। अगर लंबे समय से कोई रोग आपको परेशान कर रहा है तो उससे भी अब आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि के लोगों को नौकरी में अब नए प्रस्ताव मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से चला आ रहा तनाव आपका दूर होगा और कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलने से हर्ष होगा। बिजनेस को लेकर आप कुछ नए आइडिया पर काम करेंगे और भाग्यवश उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। कोई बड़ा फ़ायदा का सौदा आपको मिलेगा। आपको इस दौरान कहीं से एक साथ बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है और इससे आपके कई सारे रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। मेष राशि वाले व्यापारियों को नागपंचमी पर शुभ समाचार प्राप्त होगा। नई डील से तगड़ा मुनाफा आपको मिलेगा। निवेश के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। कार्य क्षेत्र में और घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। नाग देवता की पूजा से शनि दोष, कालसर्प दोष से आपको मुक्ति मिलेगी। उपाय के तौर पर मेष राशि के लोगों को नागपंचमी पर रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करना चाहिए। राहु से पीड़ित लोगों को नागपंचमी पर रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ करने से राहु से राहत मिलेगी। दोस्तों, अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लोगों के लिए नागपंचमी बहुत शुभ फलदायक रहेगी। आपका करियर यहाँ से नई दिशा लेगा और कामयाबी की शुरुआत होगी। आपके घर परिवार में इस दौरान सभी लोगों के बीच में आपसी समझ और सामंजस्य सबसे अच्छा रहेगा। आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। आप जिस मामले में भी निवेश करेंगे उसमें आपको लाभ होगा। आपकी मेहनत सफल होगी और धन में वृद्धि होगी और रुके हुए सारे कार्य आपके पूर्ण होने से आपका जीवन पटरी पर आ जाएगा। इस दौरान आप किस्मत पर अगर अब तक यकीन नहीं करते थे तो ये समय आपको इस पर यकीन करना सिखा देगा। आपकी किस्मत इस तरह आपका साथ देगी कि आपके बुरे दिन पल भर में दूर हो जाएंगे। जिस भी अच्छे काम की आप चाह रखते हैं उसके पूरा होने के अभी इस दौरान योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर वृषभ राशि के जातकों को नागपंचमी के दिन तांबे का एक टुकड़ा बहते हुए पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। दोस्तों, अगली राशि है कर्क राशि। जी हाँ दोस्तों, इस राशि के लोगों के लिए ये नागपंचमी बहुत शुभ फलदायक रहेगी। कर्क राशि वालों को अपने सभी कार्य में सफलता मिलेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से भी आपकी मुलाकात हो सकती है जिनका अनुभव आपके करियर को तरक्की देने का काम आएगा। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और रिश्ते आपके मधुर होंगे। आपको तो अपार धन प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। अपने कामकाज पर अभी से ध्यान देना शुरू कर दें। आपके पिछले समय की गई मेहनत का परिणाम अब आपको इस दौरान मिलेगा। कहीं से ऐसा धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके साथ अच्छे संबंध रखेगा और आप दोनों को एक दूसरे के सहयोग से इस समय तगड़ा मुनाफा भी हो सकता है।
उपाय के तौर पर कर्क राशि के लोगों को नागपंचमी के दिन से लगातार 8 दिनों तक बहते जल में नारियल प्रवाहित करना चाहिए और भगवान शिव के मंदिर जाकर नाग के आकार की प्रतिमा चढ़ानी चाहिए। इस उपाय को करने से राहु की पीड़ा आपकी दूर होगी। दोस्तों, अगली राशि है सिंह राशि। नागपंचमी पर बन रहे शुभ योग के प्रभाव से सिंह राशि वाले नौकरी पेशा जातकों को नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आप लंबे समय से मानसिक तनाव से गुजर रहे थे तो वो अब दूर होगा। यदि आपका कोई कानूनी मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सिंह राशि के लोगों को भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। नागपंचमी पर बन रहे शुभ संयोग सिंह राशि वालों के जीवन में अच्छा बदलाव लाएगी। इस दौरान आपको परिवार का साथ मिलेगा। नौकरी में चल रहा तनाव दूर होगा। मेहनत का पूर्ण फल आपको मिलेगा। योजनाएं आपकी सफल रहेंगी। संतान को करियर में तरक्की मिलने के प्रबल योग हैं। जो लोग संतान सुख से वंचित हैं उनके लिए खुशखबरी आ सकती है। नागपंचमी पर बन रहे शुभ योग आपके जीवन में तरक्की लेकर आएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बढ़ेगी और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ेगी। ऑफिस में बॉस के साथ आपके संबंधों में निकटता आएगी और वे आपको तरक्की या वेतन में वृद्धि दिलवा सकते हैं। आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी और ऐशो आराम बढ़ेगा। नौकरी के कुछ नए प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको सोच विचार करके ही फैसला करना चाहिए। उपाय के तौर पर इस राशि के लोगों को नागपंचमी के दिन एक लाल कपड़े में नारियल और 4 बादाम लेकर इन सभी चीज़ों को बांध कर कहीं एकांत में मिट्टी में दबा देना चाहिए। ऐसा करने से अशुभ ग्रहों का प्रभाव दूर होगा और भविष्य में कोई परेशानी आपको नहीं होगी। या फिर सिंह राशि के जातकों को नागपंचमी के दिन सूखा नारियल किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। इससे आपके सभी काम संपन्न होंगे। दोस्तों, अगली राशि आती है तुला राशि। बताना चाहेंगे कि तुला राशि के लोगों को नागपंचमी के शुभ प्रभाव से अपार धन की प्राप्ति होगी और आपकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर आप कुछ नई योजनाओं पर काम करेंगे। भविष्य में आपको लाभ होगा और छात्रों के लिए ये दौर सफलता से भरा हुआ रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद एहसास बढ़ेगा और आप कारोबार में सफलता हासिल करेंगे। प्रेम संबंधों के मामलों में आपको सफलता मिलेगी और सिंगल लोगों को उनका मनपसंद जीवन साथी मिल सकता है। आपके लिए ये समय सहयोग का रहेगा। आपको हर तरह का हर किसी से सहयोग प्राप्त होगा। आपके अटके हुए काम बनेंगे। धन लाभ तो होगा ही, साथ ही आपके तरक्की के नए मार्ग भी खोलेंगे। पारिवारिक जीवन में अगर पिछले कुछ समय से परेशानी चल रही है तो ये भी खत्म होगी। पहले से अच्छे संबंध आपके बनेंगे। हर कार्य में आपको सफलता मिलने की उम्मीद है। उपाय के तौर पर तुला राशि के जातकों को नागपंचमी के दिन घर में शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोगों की बात करें तो नागपंचमी पर बनने वाले शुभ योग के प्रभाव से व्यवसाय में मुनाफा होने की संभावना है। कुंभ राशि वालों जातकों के लिए नागपंचमी का त्यौहार भाग्य में वृद्धि लेकर आएगा और आपको एक से अधिक स्रोत से आय प्राप्त होगी। ऑफिस में आपको सहयोगियों का साथ मिलेगा और बॉस भी आप पर मेहरबान होंगे। आपके सम्मान में वृद्धि होगी। आपको एक साथ अचानक कहीं से बहुत सारा पैसा मिल सकता है। बिजनेस में पार्टनर्स के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। आप मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। करियर में आप इस दौरान नई ऊंचाइयां छुएंगे। कुंभ राशि के लोगों को व्यवसाय में लाभ होगा। कुंभ राशि के कुछ लोगों को विदेश में नई नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपने कहीं से कर्ज लिया था तो आपको शीघ्र ही उससे छुटकारा मिलेगा। नागपंचमी के दिन कुंभ राशि वालों को धन के मामले में चौतरफा लाभ मिलेगा। बिगड़े काम बन जाएंगे। नाग देवता की कृपा से जीवन में सुख शांति आएगी।
कर्ज लिया हुआ है तो उसे चुकाने में आप सफल होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अनुकूल है, नई जॉब की तलाश आपकी पूरी होगी। उपाय के तौर पर इस राशि के लोगों को नाग पंचमी के दिन नदी में कोयला प्रवाहित करना चाहिए, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपकी राशि के भगवान शनिदेव प्रसन्न होंगे। ओम नाग देवताय नमः, इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। दोस्तों, अगली राशि है मीन राशि। बता दें कि इस दौरान ऑफिस में अधिकारियों के सहयोग के कारण तय समय में काम आपका पूरा कर पाएंगे, जिससे आपका बॉस आपसे बेहद प्रसन्न होगा। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों को विरोधी द्वारा परेशान किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपना काम मन लगाकर करेंगे तो उनकी सभी रणनीति बेअसर हो जाएगी। मीन राशि वालों को नागपंचमी पर शिव जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र पर साथियों का साथ मिलेगा और दांपत्य जीवन में खुशहाली आएगी। आर्थिक मोर्चे पर आपको लाभ होने वाला है, धन में वृद्धि के योग बन रहे हैं। आपको इस दौरान भाग्य का पूरा पूरा साथ मिलेगा। उपाय के तौर पर इस राशि के लोगों को नागपंचमी के दिन अपने हाथ में अष्ट धातु का कंगन पहनना चाहिए। इसके अलावा रसोई में ही खाना खाएं, इससे घर में शांति आएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके साथ ही साथ हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें।